हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट सी का आंसर की आपको दिया जा रहा है। इस पेपर का डिटेल सोल्यूशन आपको बाद में दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोलर थर्मल वाटर पंप वर्क ऑन, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ एज हाई अ वैल्यू ऑफ 3000 कैन बी ऑप्टेन बाय, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सेंट्रल टावर रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द सन्स रे एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नोन एज, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, इंक्लिनेशन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज द सम ऑफ द डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन एंड इज रिफर्ड एज, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, टोटल रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच सोलर एनर्जी अराइव्स एट द टॉप ऑफ द एटमोसफियर इज कॉल्ड, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सोलर कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर पॉन्ड, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिकल एक्सिस विंड मील, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, डेरियस टाइप विंड मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर रेडिएशन मेजरमेंट, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज फॉर हीट कलेक्शन एलिमेंट इन पैराबोलिक ट्रफ प्लांट्स ऑफ सोलर सेंट्रल रिसीवर सिस्टम, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स अबाउट द सेम एक्सिस, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 10 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है, हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमिना एंड रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन दे क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, हीट एंड वर्क डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय दिस सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 11th का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है, द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूजेस हीट एनर्जी टू चेंज द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवेपोरेटर, ये हमारा रॉन्ग है, अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाता है तो हमारा आंसर क्या होता है, डी, स्टेटमेंट 2 हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉर मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट एंड डिक्रीज स्लाइटली विथ इंक्रीज ऑफ स्पीड, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ एरिया बट इंडिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा रॉन्ग है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता है और स्टेटमेंट 2 क्या होता है, रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट 1 क्या है, द परसेंट इलोंगेशन इज एज्यूम टू बी बेस्ड ऑन अ गेज लेंथ ऑफ 2 इन अनलेस सम अदर गेज लेंथ इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड, ये हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, थ्योरेटिकली अ मटेरियल इज कंसीडर डक्टाइल इफ इट्स परसेंट इलोंगेशन इज ग्रेटर देन 5%, ब्रैकेट में लोअर वैल्यूज इंडिकेट ब्रिटेलनेस, ये भी करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग करेक्ट हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है, मैकेनाइजेशन मीन्स समथिंग इज डन और ऑपरेटेड बाय मशीनरी एज वेल एज बाय हैंड, ये हमारा रॉन्ग है, तो अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रैंकाइन साइकिल, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फॉर द पंप द आइडियल प्रोसेस वुड बी द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड एंडिंग एट द फाइनल प्रेशर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, द वैक्यूम इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आइडियल वैक्यूम टू एक्चुअल वैक्यूम। यहाँ एक्चुअल नहीं होता, क्या होता है, ओवरऑल या फिर टोटल। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इज डिफाइंड एज द हीट इवॉल्व बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ द यूनिट मास ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, द कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ लिक्विड फ्यूल आर जनरली डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑफ ऑर्सेट अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों क्या है, करेक्ट है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो नॉट करेक्ट हो, तो ऑप्शन डी हमारा नॉट करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड। बॉब कॉक एंड विल कॉक बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब नहीं होता, वाटर ट्यूब होता। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, स्टर्लिंग बॉयलर्स आर एक्सटर्नली फायर बॉयलर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पावर प्लांट द इफिशियंसीज ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर टर्बाइन बॉयलर साइकिल एंड ओवरऑल प्लांट आर 0.97, 0.95, 0.92, 0.4542 एंड 0.33 रिस्पेक्टिवली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज कंज्यूम्ड इन रनिंग द ऑक्सिलरीज। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 7.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल साइकिल इम्प्रैक्टिकेबल बिकॉज। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, माने आपको बॉयलर दिया गया है और लिस्ट टू में उसका प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फॉर अ फ्यूल द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ विच इज गिवेन एज। कार्बन कितना है 70%, H2 कितना है 30%। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 18.54 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, द रैंकाइन साइकिल इफिशियंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डिक्रीजिंग ऑफ विच रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एट विच हीट इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको करेक्टली मैच करना है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल सेल्स हैज लोवेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, PEMFC। नेक्स्ट है, एडजस्टिंग द नेस्ले अबाउट द वर्टिकल एक्सिस टू ब्रिंग द रोटर फेसिंग विंड इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, योर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टर सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द हीट कलेक्टेड इन कलेक्टर्स इज यूज्ड टू डिस एसोसिएट अमोनिया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट अप्रोक्सीमेटली। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सारा डेटा दिया गया और COP फाइंड करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ अ सिंगल रेफ्रिजरेंट इन अ सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर इज लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये तीनों ही रीजन क्या है, करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपिलरी ट्यूब इन अ 110R22 एयर कंडीशनर हैज अ बोर ऑफ 2.3 mm, सैचुरेटेड लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर इंटर्स अ टेम्परेचर ऑफ 48°C एंड फ्लो एडियाबेटिकली थ्रू द ट्यूब अंटिल इट्स टेम्परेचर इज 5°C। द फ्रिक्शनल फैक्टर इज गिवन एज, एफ क्या है, 0.32 अपॉन में रेनॉल्ड नंबर की पावर 0.25। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है फ्रेंड, ये आपको सारा डाटा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, 13.41 kg सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसिंग 1 kg ऑफ एयर इज मिनिमम इफ द कंप्रेशन इज कैरीड आउट। ये
यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है, कम से कम 20 से 30 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, आइसोथर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टॉर्क कन्वर्टर। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोटोटाइप की स्पीड निकालनी है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 567 आरपीएम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयलर टर्बाइन इक्वेशन। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों रॉन्ग है, जबकि स्टेटमेंट 3 और 4 क्या है वो करेक्ट है। तो हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 और 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइंस इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड वन इन द मीडियम हेड रेंज ऑफ 60 मीटर टू 300 मीटर। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फ्रांसिस टर्बाइन। फॉलोइंग लिस्ट 1 में आपको टर्बाइन टाइप दिया गया है और लिस्ट 2 में उसका फ्लो डायरेक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फ्लो रेशियो बेस्ड ऑन टिप स्पीड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, 0.73। आउट करना है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द जेट प्रोपल्शन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 45.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ज इज अ कंडीशन विच अकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इन फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेलिंग इन एक्सियल कंप्रेसर। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, स्टेटमेंट 4 भी हमारा करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो 3 और 4 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 3 और 4 ओनली। एक्टिंग पंप द वर्क सेव्ड बाय फिटिंग एयर वेसल इज अबाउट। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 39.2%। पंप का प्रॉब्लम इसमें आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए, 7.260 लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लम्प सिस्टम एनालिसिस एज्यूम अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी, विच विल बी द केस ओनली व्हेन द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू हीट कंडक्शन। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 0। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूइड प्रॉपर्टी फॉर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, रेट ऑफ कन्वेक्शन। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट द बाउंड्री लेयर थिकनेस द लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट लोकेशन एक्स एंड रेनॉल्ड नंबर एट लोकेशन एक्स फॉर टर्बुलेंट फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट आर। तो करेक्ट आंसर है हमारा क्या, ऑप्शन सी, इजन फ्रॉम द ट्यूब इनलेट टू द पॉइंट एट विच द बाउंड्री लेयर मर्ज एट द सेंटर लाइन इज कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हाइड्रोडायनेमिक इंटेंस रीजन। ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ ट्यूब्स दैट रिकमेंडेड बाय डिटस बटलर, ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फाउलिंग फैक्टर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, फ्यूल ऑयल। यानी इसमें आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द यूनिट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड, 34.7 टन रेफ्रिजरेशन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेशर। क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इन किलो जूल पर आवर। तो करेक्ट आंसर हमारा है इसका ऑप्शन ए, 1611 किलो जूल पर आवर। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स आर करेक्ट। तो सारे ही हमारे क्या हैं वो करेक्ट हैं,
तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, 3 एंड 4। द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है? ऑप्शन बी गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, 54.43 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम। इट इज ऑब्जर्व दैट एंड इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर सिमिलरली रिजल्ट इन। तो 0.1 और 0.2 हमारा करेक्ट है, 0.3 रॉन्ग है। तो हम देख लेंगे कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजिग्नेशन फॉर डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो एथेन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अगर हम डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो एथेन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा? ये इसका फॉर्मूला होगा C2H2Cl2 फिर F4। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, R114। द फॉलोइंग आर हाईली एक्सप्लोसिव एंड फ्लेमेबल इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1 एंड 2 ओनली। 3 क्या है? वो नहीं है। ठीक है फ्रेंड, डायमेंशन 1.5 mm × 1 mm × 2 मीटर, सॉरी यहाँ एमएम नहीं है, मीटर है। ठीक है फ्रेंड, वेट 1962 न्यूटन इन वाटर। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर? टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन ए, 3392 न्यूटन। दिस रिप्रेजेंट द टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वी इक्वल टू 2y² डब्ल्यू इक्वल टू 2xyz। व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सच दैट दे सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, -4x - x²y + f(y)z। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पैराबोला फॉर्म एट द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, 50.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट रेडियस ऑफ 0.8 मीटर इफ द वॉटर इज फ्लोइंग रेडली आउटवर्ड इन अ हॉरिजेंटल प्लेन फ्रॉम अ सोर्स एट अ स्ट्रेंथ ऑफ 12 m² per second। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 2.38 m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पीटर ट्यूब की प्रॉब्लम है, क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ ट्यूब इक्वल टू 0.98। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 4.34 m/s। प्रॉब्लम है, इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द फ्लो। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, -7848 N/m² per m। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल बिटवीन द प्लेट्स इफ द ड्रॉप ऑफ प्रेशर इन अ लेंथ ऑफ 1.2 मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी, 5.2 लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पावर लॉस्ट इन द बीयरिंग। तो आपका आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, 0.59 किलोवाट। प्रॉब्लम है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो आपका आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, 19.17 पॉइस। क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट जनरेशन इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपका आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, 212 वाट पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर इन द वायर ड्यूरिंग स्टेडी ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 1/R(dr)(RdT/dr) + G/K = 0। ठीक है फ्रेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर मस्ट बी सप्लाइड टू दी वायर टू मेंटेन दी वायर सरफेस एट 114 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 21.99 वॉट। इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द वायर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी 126 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन है इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द एल्युमिनियम प्लेट। तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन डी 2.15 सेंटीमीटर। फिन द एरिया इन्वॉल्व इन वन डायमेंशनल फिन एनालिसिस इज नेग्लिजिबल। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए एच डेल्टा बाई के लेस देन 0.2। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है और स्टेटमेंट टू हमारा रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वन एंड थ्री ओनली। स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन, तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग है जबकि स्टेटमेंट टू और थ्री हमारा करेक्ट है। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, टू एंड थ्री ओनली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक पैरामीटर यूज्ड इन ट्रांसड्यूसर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायनेमिक क्वांटिटीज इन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। तो तीनों ही हमारे करेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वन टू एंड थ्री। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनकोडर्स, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वन टू एंड थ्री। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एक्सेलेरोमीटर्स, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व्स रिस्ट्रिक्ट और थ्रोटल्स द फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन डायरेक्शन टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ठीक है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, फ्लो कंट्रोल वॉल्व। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज कंडीशनल इंस्ट्रक्शन विच अलाउ टू यूजर टू चेंज the order in which the processor scans the program। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सिग्नल्स आर एक्सटर्नल कमांड सिग्नल्स प्रोवाइड टू द कंट्रोलर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कंट्रोल सिग्नल्स। इज द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ मूवमेंट इन टू विच द रोबोट कैन डिवाइड इट्स वर्क वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ अ रोबोट। सेंसर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स सेंसर कंपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ फोर्स सेंसिंग एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, टेक्टाइल एरे सेंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोबोट एंड इफेक्टर्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द पावर रिक्वायर टू मेंटेन दिस स्पीड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए 160 वॉट। ये आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द गैस कॉन्स्टेंट अप्रोक्सीमेटली। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए 514.68 न्यूटन मीटर केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट टू पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए 18688 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन केस इन विच द क्लच रन्स फ्री व्हेन द मशीन इज बीइंग ड्रिवन इन द इंटेंडेड डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बैक स्टॉपिंग ब्रेक द टेंशन इन द बैंड डिक्रीजेस फ्रॉम द वैल्यू पी वन
एट द पिवट साइड ऑफ द बैंड टू पी टू एट द लीवर साइड इफ आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रम देन द नेट टॉर्क ऑन द ड्रम इज, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी पी वन माइनस पी टू इंटू आर। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसमिशन शाफ्ट, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। प्रोसेस इफ वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रोल सरफेस, वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल एट द एंट्रेंस टू द डिफॉर्मेशन जोन एंड वी वन इज द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल एट द एग्जिट ऑफ द रोल्स देन द फॉरवर्ड स्लिप इज, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन सी वी वन माइनस वी आर अपॉन वी आर इंटू 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिट्स इज यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ असेंबलीज वेयर हाई रिजल्टिंग प्रेशर आर रिक्वायर्ड, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी फोर्स फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटर एस्पेक्ट्स दैट ही मे कम्स अक्रॉस सम शॉर्ट अनसर्टेनिटीज एंड मैनी अ टाइम द थिंग्स विल गो राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी लाइकली टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द क्रिटिकली ऑफ द आइटम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द कॉस्ट फैक्टर ऑफ द आइटम, तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी वी ई डी एनालिसिस। फॉलोइंग इज द प्रोजेक्शन on a pattern that is used to make recesses in the mold to locate the core, तो correct answer हमारा option B core print। Next है which one of the following is a disadvantage of permanent mold or gravity die casting, तो correct answer हमारा option A the surface of casting becomes hard due to chilling effect। स्पीड ऑफ अ लाइट शैफ्ट हैविंग अ सिंगल डिस्क विदाउट डैम्पिंग द क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ शैफ्ट इज, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैटरल वाइब्रेशन ऑफ द शैफ्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लार्ज फ्रिक्शन एंड स्ट्रॉन्गर अधेसिव बिटवीन चिप्स एंड टूल फेस, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज। मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट हु अमंग द फॉलोइंग ओपिनियंस हैज नॉट बीन क्वालिटी कंट्रोल हाइटेंड, ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ इन फ्लैंग इमिडिएटली बिलो द इन कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड राइट एंगल टू द एक्सिस, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी साइड रिलीफ एंगल। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टेपलेस ड्राइव ऑफ मशीन टूल, तो वन करेक्ट है और भी देख लेते हैं हम, टू भी करेक्ट है हमारा, थ्री भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मशीन वाइब्रेशन, तो वन करेक्ट है, टू करेक्ट है, थ्री भी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल थ्रू विच द कैम टर्न्स ड्यूरिंग द टाइम द फॉलोवर राइजेस, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए एंगल ऑफ एक्सेंट, ठीक है फ्रेंड। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैम्प्स, तो वन करेक्ट है, टू करेक्ट है, थ्री करेक्ट है, और स्टेटमेंट फोर भी हमारा करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सेलरेशन एनालिसिस, तो वन रॉन्ग है, टू रॉन्ग है, सो ओनली थ्री करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री ओनली। क्वेश्चन है इसमें आपको ये कंडीशन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है देन द कैटेगरी ऑफ फोर बार मैकेनिक इज, तो इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड। इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर होगा।
क्या पूछ रहा है, द जायरोस्कोपिक कपल एक्टिंग ऑन द डिस्क इज अप्रोक्सीमेटली, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 9.2 न्यूटन मीटर। रोटेटिंग मासेस इज इन डायनेमिक बैलेंस व्हेन, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, देयर डज नॉट एग्जिट एनी रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वेल एज रिजल्टेंट कपल। फिटिंग ऑफ अ लॉन्ग शू ड्रम ब्रेक इज, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेक शू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयरिंग का है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग सी, सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी 5500 kg। बेयरिंग का क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एल्टेंड लाइफ ऑफ द बेयरिंग, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए 8 × 10⁶ रिवोल्यूशन। स्टैटिक लोडिंग फेलियर थ्योरीज इज यूज फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, क्या है ऑप्शन ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, रिजिडिटी सॉरी इन शेफ्ट रिजिडिटी एंड डायनेमिक कंसिडरेशन शॉर्टर शेफ्ट लेंथ, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी रिड्यूस डिफ्लेक्शन एंड रिड्यूस क्रिटिकल स्पीड, ऑप्शन डी होगा, ठीक है फ्रेंड, रिड्यूस डिफ्लेक्शन एंड रेज क्रिटिकल स्पीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन द रेटिंग ऑफ क्लच एंड ब्रेक्स, तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। इस पर गेयर द लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैन बी मिनिमाइज बाय स्पेसिफाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 सही है, 2 सही है, लेकिन 3 हमारा रॉन्ग, ठीक है फ्रेंड, तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फटीग फेलियर क्राइटेरियाज इज यूज इन ग्राफिकल मेथड इक्वेशन, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी गुडमैन फटीग फेलियर क्राइटेरिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज इज मोस्ट सुटेबल फॉर applications in bearing, bushing, piston ring, steam fitting and gear, तो correct answer हमारा option B, tin bronze। Next है, in general annealing is carried out, annealing को हम softening process भी कहते हैं, ठीक है friend, तो correct answer हमारा होगा option A, increase softness। Next question है, consider the following statements related to compute the equilibrium concentration of two faces, तो स्टेटमेंट 1 सिर्फ करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 हमारे रॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो कॉन्स्टिट्यूंट अल्फा फेराइट प्लस Fe3C मीन सीमेंटाइट फेसेस आर प्रेजेंट, तो करेक्ट आंसर हमारा 2 है 3 है 1 नहीं है, ठीक है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली। Is the capacity of a material to absorb energy when it is deformed elastically and then upon unloading to have this energy recovered? So correct answer is our option A, resilience. Tip of indenter for weaker micro hardness testing technique. So correct answer is our option C, diamond pyramid. नेक्स्ट है, कोरोजन पेनिट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वेट लॉस आफ्टर एक्सपोजर टाइम। कोई मेजर इज करेक्ट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ गैल्वेनिक कोरोजन, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी इट इलेक्ट्रिकली इंसुलेट सिमिलर मेटल फ्रॉम ईच अदर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरोजन, ठीक है फ्रेंड, सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही हमारा करेक्ट है, 2 और 3 रॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड, तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली। नेक्स्ट है, अ कैंटिलीवर बीम इज नेग्लिजिबल मास हैज अ मास m एंड इट्स फ्री इन इट इज लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर इज हाफ What is the factor by which is which its natural frequency is increased? So correct answer हमारा option A, under root 8 times.
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग काइनेमेटिक पेयर्स, तो पहला ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें दिया पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक इट इज नोन एज लोअर पेयर। अगर पॉइंट होगा तो लोअर नहीं होगा, कैसा होगा, हाइयर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो वन रॉन्ग है, इसका मतलब जिसमें वन होगा वो सारे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 131 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 2, 3 and 4। नेक्स्ट है इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए, 22.27 किलो न्यूटन मीटर। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नर, तो 1 और 2 हमारा रॉन्ग है, 3 और 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो सही है ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी, 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द इनर्शिया फोर्सेस एंड कपल्स एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एंड टॉर्क ऑन अ बॉडी टुगेदर विद स्टैटिकल इक्विलिब्रियम, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गियर, तो 1 हमारा करेक्ट है, और भी स्टेटमेंट हम देख लेंगे, 2 रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी, 1 ओनली। अ बॉडी कोइंसाइड विद इट्स सेंटर ऑफ मास और इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओनली इफ द मटेरियल कंपोजिंग द बॉडीज, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म और होमोजीनियस। नेक्स्ट है इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, 11 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, कितना आएगा, 250 न्यूटन मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, 10 किलो न्यूटन एंड 12 किलो न्यूटन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सपोर्ट फॉर बीम, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको क्या फाइंड करना है, द एफिशिएंसी ऑफ द ब्लॉक एट द लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, 77%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन एट द सेंटर इज, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी, 0 mm। मूवमेंट एट द फिक्स एंड इन अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द होल स्पैन इज, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, WL² / 2। इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 0.6। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका आंसर आपका है ऑप्शन डी, 9.5। थिकनेस ऑफ द प्लेट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 2.34 mm। इसमें आपसे पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, 0.2736। फेराइट और परलाइट का फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.44 and 0.56। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ आयरन कार्बन अलॉय, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है, स्टेटमेंट 3 ओनली करेक्ट है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 3 ओनली। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अदर अलॉयिंग एलिमेंट्स सच एज कॉपर वेनेडियम निकिल एंड मॉलिब्लेडम इन कंबाइंड कंसंट्रेशन एज हाई एज 10 वेट परसेंटेज एंड पोसेस हायर स्ट्रेंथ देन द प्लेन लो कार्बन स्टील, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील। फ्रेंड्स, इस पेपर का PDF और आंसर की आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।